बिग बॉस के शुरू होने का इंतजार दर्शक काफी समय से कर रहे थे। आखिरकार उनके लंबे समय का इंतजार भी खत्म हो चुका है। फिलहाल अभी बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही आ रहा है। आपको बता दें कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट को आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने पहले हफ्ते से ही अपना बिग बॉस वाला रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आते ही एक दूसरे को टारगेट में लेना, मजाक बनाना शुरू कर दिया है। शो के सदस्यों के इस रूप का ऑडियंस खूब जमकर लुफ्त उठा रही है। शो के शुरुआती दौर से ही शो की चर्चा काफी तेजी से है। बिग बॉस शो सबसे ज्यादा चलने वाले शोज में से है। बिग बॉस 15 छोटे पर्दे पर टेलीकास्ट किया जाएगा। इसी बीच एक्ट्रेस रेखा भी शो से जुड़ चुकी हैं। खबरों की माने तो अभिनेत्री रेखा बिग बॉस 15 के प्रोमो के लिए अपनी आवाज देंगी। रेखा ने कहा कि बिग बॉस एक बहुत ही नायाब शो है, जिसमें ड्रामा, एक्शन, मस्ती और रोमांच सब है। इसके अलावा आपको जीवन का एक क्रैश कोर्स करने को मिलता है। आगे का वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल NN बॉलीवुड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। टीवी पर बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो के प्रोमो में रेखा एक पेड़ के लिए एक विशेष वॉइस ओवर करेंगी। उन्होंने आगे कहा कि ये एक रोमांचकारी नया अनुभव होने जा रहा है, क्योंकि मैं एक स्पीकिंग ट्री के लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ, जिसे सलमान ने प्यार से विश्वसूत्री नाम दिया है, जो ज्ञान, आशा और विश्वास से भरा एक जीवंत पेड़ है। सलमान के साथ काम करके मुझे हमेशा खुशी होती है और मैं उनके साथ इन अनोखे पल को साझा करते हुए खुद को धन्य महसूस कर रही हूँ। बिग बॉस का नया सीजन ट्विस्ट और जंगल में संकट से भरा होने वाला है, क्योंकि घर के अंदर आने से पहले प्रतियोगियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हाल ही में घर के अंदर अक्षरा और शमिता के बीच काफी लड़ाई देखने को मिली थी। इसके बाद अक्षरा शो के अन्य कंटेस्टेंट उर्फी जावेद से शमिता की बुराई करती हुई दिखी थी। इसी दौरान बातों बातों में शमिता की उम्र का मजाक भी बना दिया। उन्होंने कहा, मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि शमिता शेट्टी 42 से 43 साल की हैं और इंडस्ट्री में इतनी पुरानी हैं। इसके बाद एक्ट्रेस ने शमिता को मौसी कहकर भी बुलाया।